अरे बस 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 अब ठीक है। तो बच्चों सब बच्चों को रिकॉर्डिंग के उत्साह के सारे बच्चे हाँ है ना। ओके तो सब सब बच्चों लोगों को वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा लकी टर्म से हमारा रिकॉर्डिंग भी टाइम पे स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। हाँ तो सब बच्चों लोग को अगेन वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने बच्चों आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको ये कहा था बच्चों इस पेज में बच्चों जितने भी आपको फॉर्मूलाज दिख रहे हैं है ना, इस पेज में आपको जितने भी फॉर्मूलाज दिख रहे हैं बच्चों वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डन बच्चा? तो ये आपको पता होना चाहिए और सारे फॉर्म बच्चों मैम आपको और बच्चों सारे फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। देखो बच्चों अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट याद होगा तभी जाके बच्चों आप है ना एग्जाम एकदम स्पीड में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो बच्चा आप अगर आप सोचोगे कि मैं कौन सा फॉर्मूला आएगा अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बच्चा आपको टाइम निकल जाएगा। तो बच्चों ये देखो ये आप कल के मैंने जीरो ऑर्डर और बच्चों फर्स्ट ऑर्डर बच्चों फॉर्मूलास है बच्चों सारे फॉर्मूलास आप प्रॉपर वापस अभी बाय हार्ट कर लो। अभी मैं आपको इसके बारे में प्रॉपरली बताऊंगा। और देखो बच्चों मैंने आपको ये कहा था यस सर। कि बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना जो बच्चों गैस ऑर्डर का जो आपका फर्स्ट ऑर्डर बच्चों आएगा यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हम उसको लेकर चलेंगे। तो बच्चों आगे बढ़े सब बच्चों देखो प्रॉपर यस करोगे फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर। ओके तो बच्चों ये हमारा ये पार्ट हो गया। अब देखो बच्चों अभी हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट और डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर आपको एग्जाम में इक्वेशन दिखाई दे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे आपको वहां पे एस्टर दिखाई दे और आपका एसिड अल्कल बन रहा है तो बच्चों तो आपको क्या बच्चों किससे एग्जाम्पल बच्चों का वो आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो बच्चों अगर किसी को पता नहीं है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे ऐसा केमिकल इक्वेशन बच्चों जो कि हायर ऑर्डर का लगता है लेकिन अब बच्चों होता है जब हम उसका एक्चुअली पता करते हैं बच्चों तो ये आपका लोअर ऑर्डर का साथ देता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों उसे हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में बच्चों ये होता था कि मान के चलो आपके पेरेंट्स है ना आपके लिए गोल्ड खरीदने लिए कि बच्चों में बच्चा बर्थडे है सर हम गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं टेक हाँ वो सब थोड़ा काइंड ऑफ ठीक है ना। तो आपको जो क्या बोलते हैं आपको जो दुकानदार है वो आपको बोलेगा कि सर मैंने 22 कैरेट मैंने आपको गोल्ड दिया है ना बोला बोलेगा। अब जब बड़े हो जाओगे बोले कि अब तो चलो अब सर के कुछ नया बनाते हैं तो जब इसको वापस चेक करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो कितना क्या बच्चों वो आप खाली 20 कैरेट या 18 कैरेट का है। तो ये क्या बच्चों ये दिखता है 22 कैरेट लेकिन ये क्या बच्चों ये आपका सूडो 22 कैरेट होगा, समझ रहे मतलब कि हाँ ये तो स्कैम है तो स्कैम ही ये तो ऐसे कुछ है ठीक है ना। चलो तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है आपको इक्वेशन के बारे में बच्चों ध्यान रखना है कि ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है, ठीक है ना। ये 22 कैरेट हम हटा देते हैं नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। यस सर। तो बच्चों ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता करने पार्ट है। अब देखो बच्चों देखो अभी यहाँ पे लिखा गया है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों ये तो अब बच्चों देखो ये तीनों ग्राफ है ये बच्चों तीनों ग्राफ बच्चों काफी आईएमपी ग्राफ है बिकॉज एग्जाम में यहाँ से ग्राफ पूछते हैं। अगर यहाँ पे आपका रेट है यहाँ यहाँ पे आपका रेट है और यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन दिया है और अगर आपका ये जीरो बच्चों कैसा आएगा बच्चों ये आपका एकदम स्ट्रेट मतलब कि कॉन्स्टेंट ग्राफ आएगा। अगर ये बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का है तो बच्चों ये आपका क्या बच्चों आप बोलोगे स्ट्रेट इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब बच्चों सेम बच्चों आपका आएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वाई एक्सिस में क्या है और आपका एक्स एक्सिस में क्या है ये पता होना चाहिए। अगर आपका वाई में रेट है
और एक्स में आपका कंसेंट है बच्चों, तब जाके आप कर सकते, अदरवाइज ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों सारे बच्चे ये तीनों ग्राफ आप प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन कर लो सारे बच्चे। हो कर गया। लिए जी। डन सर। डन। सर ओके अगर सेकंड ऑर्डर के अंदर हमारी एक्स एक्सिस में हम ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ए लेना कि ए स्केयर, तो कैसा ग्राफ होगा? तब बच्चा तब आपको वहां पे दूसरा ग्राफ बनेगा ना, जब आपका सेकंड ऑर्डर बच्चों ग्राफ आता है तो बच्चों वहां पे ग्राफ का हम आपका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, वहां पे आपका वहां पे आपका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, तब बच्चों आपका ग्राफ अलग बनेगा। ठीक है, तो अभी खाली यस आपका सर। रेट और इसके बारे में बोला गया और कुछ नहीं। अब तो बच्चों देखो ये आपका दूसरा बच्चों इंपोर्टेंट ग्राफ जो पता होना चाहिए। देखो ये बोलूँ बच्चों अभी तक जितने पढ़ा बच्चों, ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आपका हाफ लाइफ का और आपका जीरो कंसंट्रेशन पार्ट बच्चों। तो अगर आपका हाफ लाइफ है और अगर कंसंट अगर आपका ये जीरो ऑर्डर अगर यहाँ पे आपका वाई मेट यहाँ दिया गया है, तो बच्चों ये आपका बढ़ने वाला ग्राफ होगा। फर्स्ट ऑर्डर बच्चों कैसे होगा, ये आपका इंडिपेंडेंट होगा, तो कैसे बच्चों जाएगा, ये आपका एकदम सीधा जाएगा। और बच्चों सेकंड सेकंड ऑर्डर में बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे टी हाफ वर्सेस वन अपॉन ए नॉट, तो बच्चों के ग्राफ कैसे बच्चों, ग्राफ अगेन आपका बढ़ने वाला ग्राफ आएगा। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगेन बोलो बच्चों ये ग्राफ भी आपका एमपी ग्राफ को बच्चों आप नोट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से, सर यस सर। ग्राफ से बच्चों एग्जाम में यस पूछती है। और यस होगा सर। बच्चों आपको ग्राफ में ना सब ग्राफ एक साथ दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे कंसंट्रेशन कहाँ पे टाइम वाला पार्ट है। तो आप ये ध्यान रखना कि वाई एक्स में क्या है और आपका एक्स एक्सिस में क्या है, तो आपका आंसर बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक एक को ही याद है, रख देते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले को। तो बच्चों बाकी आपका ये आप प्रॉपर कर पाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। यस अब सर। देखो अभी बच्चों यहाँ पे एक दूसरा आपको दिख रहा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों इसमें आप पूरा पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिर क्या करेंगे बच्चों, आप खाली ये पॉइंट को नोट करना, दैट इज एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। खाली बच्चों खाली ये पॉइंट का खाली नोट डाउन कर सकते हो और कुछ नहीं, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना यस सर। सर लिख जी, लिया। बताओ दिव्या अदिति वंश सोनाक्षी अंकिता दलिद्या शुभम एक जी, यस सर। और सोमदत्त कैसे हो भाई, बढ़िया यस सर। डन डन सर। डन ओके फाइन, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन भी खुद पूछ रहे हो, आंसर भी खुद ही दे रहे हो। हाँ वो करना पड़ेगा ना, अब जब क्वेश्चन आपको देखे तो आपको पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। क्या मैं क्या बोल अब रही हूँ, आप देखो क्या बोल रहे हो? सर नहीं मतलब मैं तो अरे बोलता सर अच्छा वो सोमनाथ की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं। चलो आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ, ठीक आप है ठीक पढ़ाओ, है। रहने दो आप। अब बच्चों देखो अब यहाँ पे ना अरेनियस इक्वेशन क्या बच्चों, हम यहाँ पे पूरा डेरिवेशन करेंगे और बच्चों हम ग्राफ को भी समझेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन पूरा डेरिव करेंगे और आपको पूरा हम ग्राफ भी समझेंगे। अब देखो मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिखना स्टार्ट करता हूँ इस सेल पार्ट के अंदर। तो बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे ये होता आपका होता है अरेनियस इक्वेशन, दैट्स के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये क्या बच्चों, ये ओके आपका अरेनियस इक्वेशन का ये वाला पार्ट है। तो बच्चों इसमें आपको क्या क्या यस चीज आपको ध्यान रखना है, तो बच्चों जब भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों बच्चों सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखना है, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखना है, आपको ये बोलना है टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ द साइड, आपके बच्चों आप यहाँ पे एल एन लोगे दोनों साइड में, तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों ऐसा बन जाएगा, दैट इज एल एन के इज इक्वल टू एल एन ब्रैकेट में ए इंटू ई टू द पावर
माइनस ई ए बाय आर टी। हाँ अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो बच्चों ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा, तो बच्चों ये आपका सब दैट इज एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो बच्चों हमें क्या दिया था, अगर आपका लॉग में कोई पावर में बच्चों क्या होगा, ये इसके बाजू में आ जाएगा, वो उसके कोफिशिएंट में बच्चों आ जाएगा, राइट आएगा। जो आपका एल एन ए आपका वन बन जाएगा, तो ये आपका आपका वन बन जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, बच्चों ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बाय यूजिंग द ये फॉर्मूला दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या बच्चों, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एम क्या बच्चों, एम आपका स्लोप जाएगा, और सी क्या बच्चों जाएगा, सी आपका जाएगा इंटरसेप्ट, सी आपका इंटरसेप्ट जाएगा। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, बच्चों ऐसे लिखे दैट इज वाई इज इक्वल टू ये जाएगा एम इंटू एक्स और ये जाएगा प्लस सी। तो मतलब क्या बच्चों, आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे एल एन के वर्सेस वन अपॉन टी के ग्राफ में। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको जो स्लोप दिख रहा है, स्लोप की वाले स्लोप क्या क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है माइनस साइन। तो बच्चों स्लोप कैसे बचोगा, ये आपका जाएगा नेगेटिव, मतलब कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा बिकॉज माइनस साइन है। तो बच्चों ग्राफ कैसे बचेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, आप यहाँ पे एल एन के लिखोगे, आप यहाँ पे वन अपॉन टी लिखोगे। अब बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा स्लोप जो कि नेगेटिव में जा रहा है, ये आपका स्लोप, और स्लोप क्या है, ये आपका माइनस ई ए बाय आर आएगा, और ये पूरा पार्ट क्या बच्चों का, इसे हम बोलोगे इंटरसेप्ट, वो बच्चों क्या होगा, वो आपको हो जाएगा एल एन ए, वो आपका एल एन ए हो जाएगा, ये आपका एल एन ए हो जाएगा। यस सर। तो बच्चों yes, तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों कैसे, वो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब बच्चों क्या होगा, आपको एग्जाम बोलेंगे कि हमारा स्लोप का वैल्यू है क्या, बच्चों एग्जाम कैसे क्वेश्चन कैसे का, आपको बोलेंगे कि हमारा स्लोप का वैल्यू है फाइव, स्लोप का फाइव आ रहा है, आपको बोलेंगे फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, तो बच्चों क्या होगा, आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा माइनस ई ए बाई आर से, आप इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो आपको ई का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे क्या क्या हुआ दिव्या, आर की वैल्यू गिवन होगी। हाँ बच्चों सॉरी, आप बच्चों ध्यान, आर तो रेट कांस्टेंट होता है ना 8.214। अरे ये भाई ये आर तो गैस कांस्टेंट है ना भाई। हाँ वही गैस वाला कांस्टेंट ही भाई, तो रेट कांस्टेंट बोल रहा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, गैस कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट वैल्यू तो सही बताई ना मैंने 8.214। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान बोला तो गलत है ना, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बच्चों यहाँ पे कैच है, कैच क्या है बच्चों, देखो अगर यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देगा लॉग के वर्सेस वन अपॉन टी, तो बच्चे क्या होगा, तब आपका स्लोप का वैल्यू क्या जाएगा, तब आपका स्लोप का वैल्यू आएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर। अब बच्चे बोलो ये कैसे हुआ सर, तो बच्चों ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको एलएन से लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो भैया आपका एलएन नेचुरल लॉग से लॉग टू द पावर बेस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चा आपका इक्वेशन बच्चों कैसा बनेगा, तो बच्चा आपका इक्वेशन बनेगा ऐसा बच्चों बनेगा, दैट इज लॉग के इज इक्वल टू माइनस सॉरी लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, तो बच्चों अब बच्चों ग्राफ बच्चों कैसा आएगा, वन अपॉन टी भी आएगा, तो बच्चों कैसे रहे, देखो y इज इक्वल टू
एम इंटू एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट बच्चों का जगह इंटरसेप्ट होगा आपका लॉग ए, स्लोप होगा माइनस ई ए बाय 2.3 आर, और एक्स एक्स में बच्चों का जगह एक्स में जाएगा आपका 1/t। तो बच्चों यहाँ पे हमने आर एन एस इक्वेशन को हमने पूरा यहाँ पे प्रॉपरली डिराइव कर दिया, और बच्चों ये आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यस सर, डन अब बच्चों इसका एक दूसरे, डन। अब बच्चों यहाँ पे आपको बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन भी आता है। वहां पे बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप वहां पे एक टेम्परेचर में एक रेट क्वेश्चन होगा, दूसरे टेम्परेचर में आपका दूसरा रेट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों वहां पे एक फॉर्मूला बदल जाता है। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बच्चों, तब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, तब बच्चों ये आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा। ये फॉर्मूला बच्चों कैसे आएगा, देखो बच्चों ध्यान से, बच्चों मैं बता, ध्यान देना ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारे क्वेश्चन था लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस लॉग ए, ये होगा बच्चों। अब क्या बोलोगे, अ टेम्परेचर टी वन, टी वन बच्चों का तो के क्या बच्चों, के आपका के वन होगा। अ टेम्परेचर टी टी टू, वो आपका के टू के रेट को चेंज हो तो के टू बन जाएगा। फिर आप दोनों को डिवाइड करोगे, सॉरी आप दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, तो बच्चों क्या होगा, ये पूरा पार्ट आपका हट जाएगा, और बच्चों क्या बचोगा आप बोलोगे, अब तब आपका ये क्वेश्चन बनेगा, तब आपका ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बच्चों उसका भी, क्या बच्चों उसका भी डेरिवेशन करना है, अदिति केशव मोहित बाकी सर बच्चे करना यस सर, है। करवाइयो अगर बोर्ड में आती है तो। हाँ जी सर, जी जी ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ना। तो बच्चों देखो ये हमारे क्या बच्चों, ये हमारा लॉग वाला टर्म आ गया। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों बहुत समझ देने दो। अब मैं कहूंगा टेम्परेचर टी टू, टू टू में बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे के टू आपका आएगा रेट क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों कैसे इक्वेशन बच्चों ऐसा बनेगा बच्चों, लॉग के टू इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी टू प्लस लॉग ए। फिर क्या बच्चों का टी वन बच्चों क्या होगा, के वन होगा। तो बच्चों ये आप बनेगा आपका लॉग के टू इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी टू टी वन प्लस लॉग ए। तो बच्चों ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। तो बच्चों क्या करो, ये मान के चलो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये मान के चलो आपका ये दूसरा इक्वेशन है। आपको करेंगे बच्चों, आपको दोनों इक्वेशन पे एलएचएस साइड में आपको माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे क्यों आएगा ये। तो क्या बच्चों दो जो भी आपका एलएचएस में उसको आप माइनस करना है, इसको आपको दोनों साइड में आपको माइनस करना है। तो बच्चों माइनस करने कैसा बच्चों आएगा, माइनस बच्चों ऐसे करो, ऐसे दो, मैंने आपका इक्वेशन वन को टू से माइनस किया, वन को टू से माइनस किया, तो लॉग के वन माइनस लॉग के टू दोनों एलएचएस को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, इज इक्वल टू, इक्वल टू बच्चों आ गया है ना। अब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे माइनस ई ए बाय आर, क्या बच्चों निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा बच्चों आएगा टी वन प्लस वन अपॉन टी टू। सर आप 2.303 वाला फैक्टर लिखना भूल गए थे, अरे लोग हाँ है ना। हाँ 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 राइट राइट। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका 2.303 भी बच्चों आएगा, एकदम से बोला, यहाँ पे आपका 2.303 भी आएगा। तो बच्चों यहाँ पे बच गया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे आकर 2.303 यहाँ पे टर्म आ जाएगा। और बच्चे का देखो आप इसको माइनस कर रहे हो, तो लॉग ए माइनस लॉग क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा राइट, ये आपका यस कैंसिल बच्चों हो जाएगा, हो गया पार्ट। तो देखो बच्चों अगर आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो क्या बच्चों, तो करना देखो बच्चों आप यहाँ पे स्टेप बाय सर, स्टेप, इसमें थोड़ी सी गलती करी थी आपने, माइनस साइन लेना था जो भी इक्वेशन वो लिखी बाहर थी, मिटा निकाला था दिया ना सर आपने। ने, तो सर ने बाहर नहीं निकाला था वो। एक काम करते हम नहीं यहाँ तो पे, मैं हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं ढूंढ बैठे ना। देखो माइनस ई ए बाय आर टी वन माइनस, फिर बच्चों आगे ना ये क्वेश्चन होगा, ये होगा ना यस आर सर, टी टू, और बच्चों यहाँ पे आपका टू सो दोनों वापस भूल गया, 2.303 इतना, यहाँ बच्चों आपका आगे 2.3 वाला पार्ट आ जाएगा राइट ठीक है। यस सर, सर तो बच्चों क्या होगा, देखो अभी आप क्या करो बच्चों, आप ए बाय आर टी निकाल दो, आप ए बाय टी आर टी निकाल दो, तो बच्चों क्या बनेगा, बच्चों ऐसे बनेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे ई ए
बाई 2.303 आर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो बच्चों मेरे ब्रैकेट में क्या बना, यस सर, मेरा बना माइनस वन बाय वन अपॉन माइनस वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, ऐसा बना। अब सही है, यस सर, अब सही है ना, अब ठीक है, अब यस ठीक है, सर, यस सर। अभी आपका पिछली बार ठीक आपने माइनस साइन नहीं लिया था, सर याद होगा। पहले भी सही था, आपने बाहर निकाला था ना, हाँ अंदर ठीक है, लेके कोई देखो कोई बात नहीं, सेम कोई आ बात रहा नहीं। तो बस देखो ये कर दो बच्चों, था। ये करने के बाद है ना, अब देखो यहाँ पे आपके दो, यहाँ पे आपका माइनस साइन इस साइड जा रहा है ना। देखो ये बच्चों इक्वेशन बच्चों कैसे बना होगा, ये वाला इक्वेशन, ये किस बच्चों कैसे बना होगा, आप बोलोगे वन अपॉइंट टी वन माइनस वन अपॉइंट टी टू करेंगे। तो बच्चों हमें माइनस से अलग करना है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या बच्चों को, यहाँ देखो यहाँ पे आपका लॉग के वन माइनस लॉग के टू है। तो बच्चों कैसे, बच्चों ऐसे बनेगा लॉग के वन अपॉन के टू आएगा है ना। तो बच्चों अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो आपका माइनस एन भी चेंज आ जाएगा, ये पता कि नहीं पता बच्चों, अगर आप यस सर, इसको यस सर, रेसिप्रोकल दो आपका माइनस एन अंदर चल जाएगा। तो बच्चों इक्वेशन बच्चों कैसा बनेगा, मेरा यस सर, इक्वेशन बनेगा लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर ब्रैकेट में। अब बचेगा बच्चों ऐसा बचेगा वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, बन गया आपका इक्वेशन, टी बन टू, गया आपका इक्वेशन। तो ये ऐसे बच्चों आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, तो आप ज्यादा जल्दी यस करना, आप आराम से करना, कोई इशू बात नहीं, जल्दबाजी मत करना है ना। तो बच्चों ये पार्ट बन गया यस सर, जी। यस सर, डन अब देखो बच्चों, अभी तो बच्चों हम सर, ये पार्ट समझ गए। अब देखो बच्चों यहाँ पे बोले तो एक एक हम बच्चों क्या बोलते हैं, एक हम बोलते हैं कभी कभी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अरिनियस फैक्टर भी कहते हैं, और कभी कभी इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चों एलएनएल पार्ट होगा, एलएनएल पार्ट क्या बच्चों, इंटर से क्या बच्चों का, इंटर से आपका एलएन ए आएगा, लॉग में आपका लॉग ए आएगा, ये बच्चों ध्यान रखना। और ये क्या बच्चों, ये आपका यस सर, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। यस सर, अब बच्चों इससे भी बेस्ट बच्चा क्वेश्चन भी जेडब्ल्यू आया है, जो भी रिसेंट ईयर में आया है। और देखो बच्चों देखो, जो मैं आपको लाइव क्लास में कराता हूँ वो आपका लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, और जो मैं आपको पीडीएफ भेजू बच्चों वो आपका 2019 से होगा, 2019 से लेके 2002 तक का, मतलब कि 19 साल के पेपर हो उसके अंदर होंगे। तो क्या बच्चों सबको ये फॉर्मूला पता चला, इंटरसेप्ट क्या होगा, स्लोप क्या आएगा, सबको पता चला बच्चों, है ना। यस सर, यस सर, हाँ जी सर, यस ये सर, आपका नेगेटिव, एक ऐसा बच्चों ये आपका नेगेटिव स्लोप जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखना, ये बन गया बच्चों। अब देखो बच्चों अभी आपको एग्जाम में ना डिफरेंस पूछेंगे आपको एग्जाम में कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या फर्क है। तो बच्चों मैं चाहता पढ़ोगे, पढ़ो बच्चे तो जरा पढ़ो थ्रेशोल्ड एनर्जी, पढ़ो बच्चे क्या लिखा गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मस्ट जैसे इन द ऑर्डर ऑफ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये क्या बच्चों, ये आपका थ्रेशोल्ड मतलब कि मिनिमम एनर्जी होना चाहिए उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बच्चों, इट इज द, पढ़ो बच्चा जैसे आप दिव्या पढ़ो, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। तो बच्चों देखो ये आपका एक इक्वेशन बनता है बच्चों, ये इक्वेशन बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज बच्चों ये आपका एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब देखो अब यस बच्चों क्या बोला, अब बच्चों बोलो क्या बोला गया, यहाँ बोला क्या बच्चों, देखो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन, सिंपल सी बात है ना। सर, ये बच्चों आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, अगर बच्चों अगर आपको ये पता है तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन वालों को, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा यस सर, जी। तो बच्चों हमने ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे कर लिया जी। यस सर, अब देखो बच्चों देखो अभी ये पार्ट देखो, अभी बच्चों जो लास्ट पॉइंट बच्चों ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला बच्चों, दैट ई ए
डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर, बट इज गेट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट बिकॉज द रिएक्शन थोड़ा फास्ट कर देता है, तो बेसिकली आप क्या, ये आपका एनर्जी बैरियर को थोड़ा सा कम कर देगा। बच्चों क्या हो बच्चों, अगर आपका विदाउट कैटलिस्ट बच्चों अगर आपका इतना एनर्जी बैरियर है, तो बच्चों विद कैटलिस्ट बच्चों क्या होगा, उसका एनर्जी बैरियर इतना हो जाएगा, तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज करने में। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, ध्यान दो बच्चों, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि इन्फ्रंट चला जाता है, तो बच्चों क्या होगा, हमारे इक्वेशन क्या था बच्चों, था के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो बच्चों क्या हो, देखो अगर मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे वन अपॉन इन्फिनिटी बच्चों क्या होगा, ये आपका जीरो के बराबर होगा, तो ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका जीरो बन जाएगा, तो मतलब कि ई टू द पावर जीरो बच्चों क्या होगा, ये आपका अगर वन आंसर आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वो आपका के बच्चों क्या होगा, के आपका ए का बराबर आएगा, जो के का जो वैल्यू होगा ए का भी आपका वही वैल्यू होगा। देखो दिख रहा है आपको जो ये आपका yes, लास्ट पॉइंट बच्चों लिखा गया है, अगर आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो बच्चों क्या होगा, ये आपका वन अपॉन टी है बच्चों अपॉन में, तो वन अपॉन के बाद ये आपका जीरो आ जाएगा, तो बच्चों अगर आपका ये पूरा पार्ट जीरो, तो बच्चों ये पूरा पार्ट भी जीरो हो जाएगा, पूरा पार्ट जो आपका रियल पार्ट है और ये अल्टीमेट वन हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि आपका ए के बराबर आ गया, कि आपका ए के बराबर आ गया। जी अब देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ पे बच्चों इसका दिया है, देखो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी, तो क्या होता है बच्चों एनर्जी ऑफ एट विदाउट कैटलिस्ट, तो देखो ये आपका पहला वाला पार्ट है, ये आपका कैटलिस्ट के बिना वाला पार्ट है, जैसे हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो बच्चों क्या बच्चों, ये आपका जो बैरियर था वो क्या बच्चों, ये आपको थोड़ा सा कम हो गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बस बच्चों यहाँ पे आपका थर्मो केमिकल पर खत्म होता है। अब बच्चों आपका एकदम से बोलो, अब देखो आपका कोलिजन थ्योरी में आपको खाली क्या पढ़ना है, आपको खाली ये इक्वेशन पढ़ना है, जेड ए बी क्या होता है, आप बोलो बच्चों ये आपका होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बच्चों ये देखो पी क्या होता है, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या तो स्टिक फैक्टर, ये बच्चों खाली ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए आपके क्या बोलते हैं कोलिजन वाले पार्ट के अंदर, आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, और खाली आपको टर्म्स का मतलब समझना चाहिए। देखो ये पार्ट और फिर बच्चा आपको ये पार्ट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका स्टिक फैक्टर और बाकी पूरा पार्ट तो सेम ही है, ठीक है, तो ये आपका क्या बोलते हैं कोलिजन वाला पार्ट को यहाँ पे हो जाता है, खत्म हो जाता है, इतने बच्चों और ज्यादा कुछ नहीं है। अब बच्चों देखो जो ये पार्ट बच्चों ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपका पोर्शन में भी नहीं है, तो खाली आपको यहाँ तक इसका आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। आई होप बच्चों सब बच्चों लोग को आपको जितना भी मैंने फॉर्मूला कहा था वो फॉर्मूला आपको प्रॉपरली याद हो गया होगा। यस सर, अगेन बोलो बच्चों फॉर्मूला सात, बदो इस पूरे चैप्टर में आप बोलो मैक्सिमम 7 से 8 फॉर्मूले से, वो प्रैक्टिस करने बाद बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चन आने वाला है, 2 क्वेश्चन आएगा, एक आपका एमसीक्यू में होगा और एक बच्चों एक आपका बच्चों न्यूमेरिकल में होगा। और बच्चों ये बात ध्यान रखना न्यूमेरिकल में बच्चों जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा लेंथी होगा पर इजी होगा, एमसीक्यू बच्चों जो बच्चों को वो आपका क्या होगा बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना, अभी से बोल रहा हूँ ध्यान देना, जब आपका जे एग्जाम होगा तब आप बोलोगे प्यूसर सही बोल रहे थे, ठीक है। तो बच्चों अगर अगर आपने बच्चों इतना फॉर्मूला प्रॉपरली कर लिया तो मैं समझता हूँ आराम से, देखो आगे बोल रहा हूँ ये पीडीएफ ज्यादा बड़ा नहीं है, गिन के 5 पेज होगा, मतलब कि पहला पेज दूसरा पेज तीसरा पेज,
और आप खुद से बनाओगे बच्चों, तो एक पेज और आधे पेज में आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो आपको रिविजन करने में भी आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो बच्चों काम बताएं, अगर आप बच्चों ये पढ़ा आगे बच्चों तो एक काम करते हैं, अभी हम करते हैं आपका प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए यस अब बच्चों में आप पे प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे। ये तो बच्चों में कर लिया था, ये देखो, ये दिख रहा बच्चों क्वेश्चन, ये देखो। सर, अब देख बच्चों, यस ये सर, क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, आपको nth ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट बताना है। क्या आएगा? सर सी ऑप्शन आएगा, मोल वन देखो माइनस बच्चों सिंपल सी बात सी है, हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या था? आएगा, सी, बच्चा फॉर्मूला यस क्या सर, था बच्चों? मोल इनटू लिटिल इनवर्स ब्रैकेट में क्या बच्चों था? वन माइनस एन, माइनस और यहाँ पे था सेकंड इनवर्स। एन सेकंड तो बच्चों ये क्या बच्चों, क्या ये गया यहाँ पर और ये गया इसके यहाँ पर। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूँ, क्या बोलोगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर, यस तो आप देख पा रहे हो, अगर आपको पता है चीजें तो ऐसा नहीं होगा आपको ब्लैंक ब्लैंक सर, लगेगा, आपको ये तो लगेगा बच्चों हाँ चलो हम यहाँ पे प्रॉपरली समझ करें और हमें चीजें अच्छे से हो रही है। आपको इतना पार्ट तो समझ में आएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यस सर, ये क्वेश्चन बच्चों हो गया। अब देखो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते, तो बच्चों ये तो हमने कर लिया था, ये बच्चों मैंने आपको बताया था है ना, एक बच्चों का ये आपका 3 टाइम्स होगा है ना, दैट इज टी 87.5% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये मैंने आपको कल बताया था। अरे शौक क्या हो गया, बताया तो था मैंने, नहीं सर बताया? नहीं बताया था मेरे को आपने, याद तो बताया था नहीं, T75 इक्वल टू 2 times T, हाँ बताया था आपने। हाँ ओके ठीक है कोई बात नहीं। वो जब सेम वे सेम करने से हम कह सकते हैं कौन सा फॉर्म आएगा बच्चों, आप बोलोगे के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए, ए लिखो ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है ना, तो बच्चों आपको जब भी आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया होगा कोई भी चीज, तो आपको एक क्या कहते हैं बच्चों, आपको एक लेके ले लेना है 100। के क्या बच्चों रेट कॉन्स्टेंट है, तो बच्चों क्या फॉर्मूला बच्चों बनेगा, के बच्चों क्या होगा 2.3। ओके मुझे टी हाफ चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे टी लेता हूँ, तो टी क्या बनेगा, टी क्या बनेगा, 2.303 अपॉन के लॉग 100 माइनस 100 माइनस 87.5, बिकॉज इतना आपका खत्म हो चुका है। राइट हाँ है ना बच्चों? यस सर, यस तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन बोल रहा हूँ डिफिकल्ट नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे कुछ आएगा बच्चों, आएगा आपका अराउंड 12:30 राइट, 100 माइनस 87 बच्चों कितना बच्चा आएगा, आप बोलोगे सर, 12.5 डेवलप, हाँ 12:30 के आसपास आएगा राइट। हाँ यस सर, तो यहाँ पे आपका 12.5 के आसपास आया, 100 डिवाइड बाय 12.5 बच्चों कर सकते हैं, कर सकते हैं थोड़ा दिमाग बच्चों, क्या 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 लगता है? बेटा लगभग 12 8 के बराबर, आएगा है ना। तो बस देखो बच्चों जब भी आपको इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा, मैंने बच्चों एक ट्रिक मैंने आपको बच्चों एक ट्रिक बताया था, रुको मैं निकालता हूँ कहाँ पर, हाँ ये रहा। अब देखो बच्चों मैं आपको रिपीट कर दो एक बार, मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं। अब भी बच्चों देखो जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा लॉग की वैल्यू, तो बच्चे ध्यान में आपको जो बता दिया, देखो आपका लॉग टू बच्चों क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 0.30 के आसपास, लॉग थ्री बच्चों क्या आएगा, ये बच्चों आएगा 0.5 के आसपास, इतना भी आपका तो कोई आपका राइट आंसर आएगा। लॉग फाइव बच्चों क्या होगा, ये आपका 0. लॉग फोर बच्चों क्या होगा, 0.6 0.6020, मतलब कि 60 आप मान के चलो
लॉग फाइव बच्चों क्या आएगा, 0.7 के आसपास आएगा। लॉग सिक्स क्या बच्चों आएगा, ये आपका 0. लॉग सिक्स नहीं बच्चों, लॉग सेवन ले लेते हैं, क्या बच्चों आएगा, ये आपका 0.8 के आसपास आएगा। तो बच्चों ऐसे आप बच्चों आप आराम से चीजों को कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान में काम आएगा। अब बच्चों यहाँ पे 12:30 बजे कैसे आया, देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, देखो बोला गया 87.5 खत्म हो चुका है, तो 100 माइनस 87.5, ठीक है बच्चों, तो कितना बच्चों का यहाँ पे आएगा अराउंड 12.5। अब बच्चों अगर आप 100 डिवाइडेड बाय 12.5 करोगे तो बच्चों क्या आएगा, बच्चों आपका प्रॉपर आंसर आएगा 8 आएगा, लॉग 8 आएगा। तो बच्चों लॉग 2 बच्चों कैसे लिखेंगे, लॉग 2 लिखो 2 into 4, 0.9। अरे आप 2 की पावर 3 लिख दो, 2 into 4 लिख दो ना, 2 4 8 है कि नहीं, तो आप आपने बच्चों ने क्या बोला, आप बोलोगे आपका आंसर किसने बच्चों, ये आपका अराउंड आएगा बच्चों 0.9 के आसपास आएगा, है ना। अभी आपको कंपेयर करना पड़ेगा, अभी आपको कंपेयर करना पड़ेगा टी हाफ के साथ, और आप अभी आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा। तो जब आप बच्चों पूरा पार्ट करोगे, देखो यहाँ पे आपको दिया गया, देखो अगर बच्चों अगर पूरा पार्ट करोगे तो आपका आंसर बच्चों कितना आएगा, ये आपका 3 के आसपास आएगा, समझ रहे हैं? यस सर। कि बच्चों पहले आपका लॉग 2 के पास 3 था, है ना, लॉग 8 बच्चों है, यहाँ पहले लिखा बच्चों हमने लॉग किया, कोई बात नहीं, है ना, सिंपल। यस सर। अभी ये लॉग 2 बच्चों कैसा आया, 51, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे 100 माइनस 50, है ना, तो 100 पर 50 नीचे, तो 1 जा 2 जा, तो लॉग 2 बचेगा, तो यहाँ पे लॉग 2 आया, और बच्चों ये आपका आगे आ जाएगा, तो आंसर क्या, क्या आंसर बच्चों, ये आपका आंसर आ गया 3 3 3 आ गया। देखो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो बच्चों आपका क्या बना, आपका नया फॉर्मूला क्या बना बच्चों, दैट इज टी 87.5 क्या बच्चों का, ये आपको होगा 3 times of t 50% बन गया आपका। टी 75 बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 2 times of t 50%। तो बच्चों क्या पता इस बार बच्चों एग्जाम क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे टी 90% कितने टाइम्स होगा टी 50% से, ऐसा क्वेश्चन बच्चों आप क्या पता पूछ सकते हैं। तो बच्चों उसका आंसर क्या बचाएगा, आप बोलोगे 3.33 के आसपास आएगा, ये मैंने निकाल yes, लिया। यस सर जी। तो बच्चों ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूलेस को आपको नोट डाउन करना है, आप खुद देखो ये सारे क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन पेपर है, पहले के नहीं है, ये सारे क्वेश्चन अभी के जी, ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर बन जाएगा क्या हुआ भाई सर, इसको कुछ नहीं हुआ, किसी और को हुआ कुछ। ओके तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपको पता है क्यों ऐसे, नहीं बच्चा अभी टाइम नहीं, अभी यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब बच्चों सारे क्वेश्चन इसका आंसर ट्राई करेंगे, सारे बच्चे इसका ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बच्चा आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और आपको यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दे दिया गया, आपको आंसर निकालना है, कमांड इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। अरे बच्चों आजकल ऐसा क्वेश्चन ये फ्रेम हो रहा है हर बार, बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर, जब भी आपको टेबल वाला क्वेश्चन आएगा तो बच्चों फॉर्मूला कैसे क्या लगाओगे बताओ। तो बच्चों देखो जब भी आपका गैस कुछ तो दिया होगा, तो मतलब क्या बच्चों वो आपका प्रेशर टर्म आ जाएगा, मतलब प्रेशर मतलब सोचो
कंसंट्रेशन। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के पावर एन माइनस वन, याद है फॉर्मूला बच्चों। तो ये पहले का यस सर, कंसंट्रेशन, ये बात है यस कंसंट्रेशन, सर, ये पहले का टी हाफ, ये आपका दूसरा टी हाफ, कर लो ना, निकाल लो आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। यस सर, जो इजी है उसी पास से आपको फॉलो करना है। सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा, मैं आपको टाइम दे रहा, कम ऑन। कम ऑन सारे बच्चे। सारे ऑप्शन ए। या मैंने एकदम से बोला आपने, ओके। अब बच्चों करते हैं, कैसे करें दोस्तों, देखो करते हैं। देखो अगर आप टी हाफ ले रहे हो, टू टाइम टू सेकंड ले रहे हो, तो प्रेशर कितना बच्चों, प्रेशर इसका है 100। अगर मैं टी हाफ ले रहा हूं 1 सेकंड, तो इसका प्रेशर कितना बच्चों, 200। ये फॉर्मूला है। तो बच्चों यहां पे मैं पुट करता हूं, दैट इज 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 200/100 के पावर एन माइनस वन। ये कट गया, तो बच्चों क्या बना, देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी आपका 2 माइनस 1 है, दोनों बेस सेम है, तो हम क्या करें दोनों को इक्वल कर देंगे। तो बच्चों क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, n क्या आ गया, 1 प्लस 1, तो क्या बचा गया, ये आपका आ गया 2, बन गया आपका आंसर। यस सर, तो बच्चों से दैट इज टी हाफ 1/t/2 इज इक्वल टू p2/p1 हो गया, के पावर एन माइनस वन आ गया आपका आंसर। यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, और आपको ऐसे चीज लेनी है जो आपका सॉल्व करने में इजी होगा। तो ऑर्डर क्या बचा है, सर, ये ऑर्डर आपका 2 आया। अगेन बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया, गारंटी आएगा, यस सर, यस सर, जी बता रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन क्या लिखे, दो इन्होंने दो बच्चों इन्होंने भी सोल्यूशन में यही पार्ट किया, देखो ठीक है। इन्होंने कोई क्या बोल बच्चों, इन्होंने टेम्परेचर लग लिया, कोई बात नहीं, हम अलग ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या यह क्या बच्चों, हमने क्वेश्चन कल किया था ये पार्ट, क्या ये क्वेश्चन में कल किया था, नो सर, नहीं किया था। ओके। तो सारे बच्चे ये क्वेश्चन करो, कम ऑन एमसीक्यू से, कम ऑन सर, करो सारे बच्चे, ये क्वेश्चन करो, कम ऑन। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा ऑर्डर का फॉर्म बच्चों यहाँ पे लगेगा, सर फर्स्ट ऑर्डर ही है सर, फर्स्ट ऑर्डर का सर, कैसे पता चला फर्स्ट ऑर्डर लगेगा, कौन बताएगा। इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, एकदम सही इनिशियल बोला। कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो बच्चों क्या होगा, आप टी हाफ से बच्चों क्या निकालोगे, आप टी हाफ से निकालोगे उसका के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट
ए क्या बचोगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना दिया बच्चों, दिया ये दिया गया है 200। 200। सॉल्व करके की वैल्यू निकालो, सॉल्व करके के की वैल्यू निकालो। 3.46। भैया आप अपने हाथ से करो कैलकुलेटर से करो, अगेन चलिए बोल तो रहा हूँ मैं भाई कैलकुलेटर। अपने आप से करो भाई, अगेन बोल रहा हूँ अपने आप से करो। सर ये तो हाथ से हो जाएगा, सिंपल है। ऑप्शन सी, सो अंकिता ऑप्शन बोल सी रही है, आएगा। अंकिता बोल ऑप्शन सी, ठीक है ना, कोई बात। ओके तो इसका वैल्यू क्या, के वैल्यू क्या आ रही है ये सर बताओ। 3.0 समथिंग, 3.46। वही थ्री थ्री कुछ आएगा जीरो सर, पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर के आसपास जीरो आएगा। थ्री हाँ यस सर यही आएगा। हाँ जी, इसके आगे मत नहीं करने की। अब बच्चों ये आ गया, अब क्या बोलो बच्चों, टाइम रिकॉर्ड फॉर द 80% खत्म हो गया है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू, हमें क्या है, टी इक्वल टू क्या बचोगा 2.303 डिवाइड बाय 0.0034 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80, 80 80 20 आएगा, कटा 2 1 2 5 5 लॉग 5 बच्चों क्या होता है 0.7 0.7। 7 7। तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 इनटू 0.7 डिवाइड बाय 0.0034। अब बच्चों एग्जाम में गधे से पूरा सॉल्व करने मत बैठना, थोड़ा दिमाग अप्रोक्स लगाना, वैल्यू लेना। थोड़ा दिमाग लगा लगा करना, वो तो इसको करने में 2 घंटा लग चलेगा आप तुम्हारा, ठीक है ना। और ये बहुत टाइम कंज्यूम होगा एग्जाम में, अभी तो आप धड़ाक धड़ाक से बोल दे रहे हो कि सर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेटर ही उठा के ले जाना मैंने तो। और आपको फिर गेट से भगा देंगे, बोला जाओ अगले साल देना JEE, नहीं 3 साल बाद देना बोलेंगे, 2 साल के बैंड। हाँ ठीक है ना, घर वाले घर से निकाल देंगे सर। जब हम कंप्यूटर में हम काम करते हैं जिसके अंदर टेस्ट देने हैं, उसमें कोई कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाए तो नहीं होता, नहीं हो पता। सर घर वाले घर से निकाल तो देंगे, बोलेंगे 2 साल देखो का पेपर देखो देगी तब आना। अब देखो बच्चों, जो आपका टेस्ट लेता है बच्चों, तो वो लेता है TCS टाटा ग्रुप, तो बहुत बढ़िया वो रखता है, सिस्टम ही पूरा एकदम सर अभद्र। एनटीए कौन है फिर? अरे अरे NT लेता है, लेकिन जहां बैठोगे जो कंप्यूटर बैठोगे वो टाटा का है। सर लोग टेबल मिलते देखो देखो, तो क्या बचोगा, नहीं देखो मिलता ये कुछ इसका भी। आंसर आएगा, देखो ये इसका हमारे आंसर आएगा। फिजिक्स वाले सर बोले थे मिलता है। ओके सर बच्चे देखो, तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली समझ समझ के करना करना है भाई, ऐसी चीजें मत करो जो आपका साल बर्बाद कर देती है ना, बिल्कुल मत करना, सर मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं तो ऑफलाइन भरा है। ठीक है ना। ऑफलाइन भरा है, ऑप्शन नहीं था उधर, शायद था उधर ऑफलाइन, बिलासपुर का भरा है मैंने। ऑफलाइन है भाई, नहीं कमाल है, तो ऑफलाइन है नहीं भाई। नहीं अब है तो सर, कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू हो गए हैं, बेस्ड टेस्ट हो गए। वो नहीं टाटा पता नहीं वाले क्या भीख होगा। मांगने लग पड़ेंगे गणित नहीं कंप्यूटर भाई में। नहीं, अरे तुमने कुछ अलग किया होगा, वो ऑफलाइन ऑनलाइन ही होगा सब, ठीक है ना। सर मेरे से 4 जगह पूछी थी उसमें, वो सर ने अरे भरवा वो दिया मेरे। सेंटर है भाई, वो सेंटर है, ऑनलाइन टेस्ट ही होता है भाई। हाँ ठीक है ठीक है। यस सर, आपको एक बड़ा कंप्यूटर मिलेगा, वहां पे देना है, ध्यान देना। तो थोड़ा तो सा कंप्यूटर में कंप्यूटर, चीटिंग की सुविधा नहीं होती। अरे डेस्क होगा ना पूरा आजू बाजू, पूरा सब कबोर्ड से बंधा रहेगा, कहाँ देखोगे, यहाँ वहाँ। अरे जैसे वोट डालते हैं ना, उसका अलग से होता है हाँ बस वोट। एकदम सही वाला, स्पेशल एकदम सही सर वाला। ये अच्छी बात है कि कंप्यूटर सर हमें जो है टाटा कंपनी प्रोवाइड करेगी, अगर हमें घर से उठा के लेके जाना होता तो सर फिर तो मेरे बढ़िया। मैथ्स वाले अब सारे बच्चे यहाँ मिलता पे, कोई, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान मेरी देंगे, बात ही नहीं सुनता कोई। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन करो, कमॉन JEE 2022 से क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, सर इसका आंसर बता दो। नहीं या मैंने बताओ क्या, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन इज एक्स टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ये सी तो मैंने ऑप्शन। आपको, ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, देखो बता दिया है, ठीक है ना। देखो हाँ यस सर, 3.33 बोला था आपने।
है ना? 3.3, यस सर, सेम क्वेश्चन. सारे बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको दो दो, आप देखो T75 बच्चों अभी तक आया नहीं, अभी वो भी आएगा, T87.5 आ चुका है और T90% भी आ चुका है, और सबको बच्चों क्या गैस बच्चों सबको कंपेयर किया है T हाफ से, ये ध्यान देना। यस सर. अगर सर 75 दो गुना है, 87 तीन गुना है, तो 90% कितना होगा? 3.33 होगा ना, इतना बड़ा तो कभी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सर अगर पूछें कि T100 को कंपेयर करो टी हाफ से, तो इन्फिनिटी दिखने हमने. यार तुम ऐसी बात बोल रहे हो ना यार, जो कि होगा ही नहीं। ठीक चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये सर कसम से मैंने पेपर डालना होता तो मैं ये डाल देता पेपर में सर, पक्का डालता एडवांस के पेपर में. सुनते हाँ ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो नहीं है सर आपकी बात तो भाई. अब देखो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है ना? देखो अब बच्चों यस देखो, ये सर. आपका JW 2023 क्वेश्चन है, फर्स्ट फेब को हुआ है, और क्या बोला बच्चों? बोला ये आपको बोला गया, ये आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है अब बच्चों इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका? 12.5 मिनट भाई करके ऐसे धड़ाक से बोला नहीं, करना है, पहले ये तो बता मैं फॉर्मूला अभी क्या हाफ आएगा। पढ़ने लगी थी, पहले आंसर बोल रहा है सर. 1/2 की पावर एन रख सर, 50 को 4 से डिवाइड कर दिया बस. ऐसे कर रहे हो यार, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। पागल हो गया सर ये, पागल हो गया सर ये. वन फोर्थ हो गया है उसके, वन फोर्थ हो जो, तो बच्चा कितना बच्चों? 3/4। 3/4 बचा. हाँ इसलिए बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन, वो ऐसे करना मत, थोड़ा ध्यान समझ करो। सर. सबसे पहले जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? K इनटू ए नॉट माइनस ए अरे A/2 की होता है ना, ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का। सर, वो मैं तो पूरा तो यस जानती हूँ सर. सर. जी यस सर. और दूसरा वाला बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे कि क्या बच्चों, ये होगा आपका ए के नॉट माइनस A/T। टी तो बच्चों भी निकालना है क्या आपको? ये T निकालना है, टाइम टेकन। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका T आ जाए, यहाँ पे आपका K आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू से 1/4 हो गया, बच्चा कितना? ये दोनों फॉर्मूला गिवन है ना, थ्री देखो दिख रहा है। यस सर. तो ऐसे आपको चीजों समझ, इसलिए बोल रहा हूँ वो माइंड में मत चलो कि लेके चलो कि भाई कैसे होगा, थोड़ा दिमाग सोचो कैसा इसका आंसर आएगा। ठीक है यस सर. सर मेरा ना उल्टा करके आया पता, 57. देखो बच्चों ये आपका बच्चों एक बहुत IMP क्वेश्चन है, ये ध्यान दो, ये आपका बहुत IMP क्वेश्चन है, आप खुद यहां पे देखो। देखो ए में सीधा बच्चों ये आपका A/4 है, एक्स सीधा बच्चों ये आपका 3/4 आ गया, सिंपल। ठीक है यस सर, सर समझ गए. तो क्या टी क्या था बच्चों? आइए आपका आएगा 3A/4 क्या आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, है ना? A-A0/T ये था ना, ए नॉट यस माइनस ए बाई के था ये, क्या बच्चों ये आपका आ गया क्या बोलते हैं आपका 1/4 टाइम्स। तो ये बच्चों क्या, ये क्या बना, ये आपका बन गया 3A/4K। तो भाई ए बाई क्या आया था यस बचाया? ए बाई क्या, ए बाई के आपका आया 100। कैसे बचाया? और आप टी आपके जहाँ पे 50 लिखोगे ये पुट करोगे,
तो आपका ए नॉट बाय टू, क्या ए नॉट बाय के क्या आएगा, ये आपका आएगा 100। ठीक है यस सर। जी, यस सर। इनिशियल से क्या बचो गया, ये आपका 1/4 हो गया, सिंपल। सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3a0/4 आएगा, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो। इसलिए बोल रहा हूँ यस क्वेश्चन को सोच समझ कर बचो, आगे बोल रहा हूँ आईएमपी क्वेश्चन है। यस, मैं पूरी अंधी होगी मुझे लग रहा है। सर उस दिन कपीस सर से चश्मा मांग रही थी, आज आपसे बनवाना चाहती है चश्मा। हद है और सर। बच्चों दो, सारे बच्चे दो, अगेन बोल रहा हूँ सारे बच्चे को, जितने ही बच्चों हमने क्वेश्चन किया है आज रात को वापस हम अगेन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों करना बच्चा पेंडिंग है, ये दो ही सारे क्वेश्चन करना पेंडिंग है, यस ये बच्चे हम सर। करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन अभी हमें करने बाकी हैं। सर तो बहुत सारे क्वेश्चन है ये, तो एक काम करो 7-10 तक अभी क्लास ले लो, 3 क्वेश्चन फालतू पढ़ा दो। ठीक ओके तो चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, और बच्चों मैं आपको मिलूंगा 8:30 में। ओके चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय 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 बच्चों, टेक केयर, सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय। बाय।